वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। हंसी आ रही मुझे। और आज करने वाले हैं मेरा मेकअप मेरे हस्बैंड जी। और एक ये चैलेंजिंग वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन्हें मनाने में, आज 10 दिन से बोल रही हूँ, फिर जाके राजी हुए हैं। वो भी कैसे राजी हुए, जब मैंने बोला आपकी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर बोल रही कि जीजू से चैलेंजिंग वीडियो करवाइए, मेकअप चैलेंजिंग वीडियो करवाइए, तब जाकर ये राजी हुए हैं फाइनली। और कितने बजे हम लोग शूट करने बैठे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 9:00, इसमें उल्टा दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है यार, 9:49 हो रहे हैं, यानी कि 10 बजने वाले हैं। 10 बजे हम लोग शूट करने बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और हंसी भी आ रही है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। पता नहीं है तो सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊँगी। सबसे पहले ये गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई करेंगे ये लोग। क्या कर रहे हैं इसको लगाएं? हाँ बस करो बस करो। हाँ देखो मैं लगाने जा रही थी। <असिया। laughs> मुंह नहीं धुली थी, सुबह सुबह धुल दे रहे हैं मुंह। हाँ यहाँ तो करो, ये देखो चू रहा है नाक की तरह। अच्छा तो इसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, क्योंकि फिर कोई चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। हाँ। इसके बाद एनवाइवे का कंसीलर लगा रहे हैं, इतना ना निकालो टूट जाएगा। अब समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है ना। हाँ, लगा पूरे मुंह। अरे अच्छा आई कहाँ है? रुको ना, पूरे यहाँ से यहाँ तक लगा के फिर इसको ब्लेंड करना है, ब्यूटी ब्लेंड। अच्छे से लगाओ। अरे यार हाँ वो ठीक है, दाग लग गया इधर भी। एक आंख में लगाओगे एक में नहीं लगाओगे क्या? अच्छा हम थोड़ा अच्छे से कर दें। करो, हम बंद कर लेंगे ब्लेंडर गीला। हाँ इसको ब्लेंड करो अच्छे से, रगड़ो नहीं ऐसे से। हाँ डब डब करना। हाँ अच्छा जी, तो ब्लेंड आउट हो गया, ये ब्लेंड आउट हो चुका है, ये हमने कर दिया ब्लेंड आउट। हो गया? हाँ ब्लेंड आउट हो गया। अब देखिए ये देखिए ब्लेंड आउट हुआ, कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ब्लेंड आउट हुआ देख लीजिए। तो चलो अब इसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट कर दो। का कॉम्पैक्ट ले रहे हैं, ये लो इससे इससे सेट कर दो उसी में। उसी में बहुत सुंदर लगोगी। अच्छा विल्टन वाइट का आईशैडो पैलेट ले रहे हैं, कौन सा सेट लोगे सबसे पहले? कोई भी ले लेते हैं। इससे नहीं लगाना, इससे नहीं लगाना, 3 सेट लगाना, 2 ट्रांजिशन फिर बीच में कोई अच्छा सा सेट। मतलब नहीं समझा। कोई भी सेट स्टार्ट करो पहले, देखो ये वाला लोगे, इधर दिखा के लो ना, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं सेकंड नंबर। हाँ चलो तो, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेंड आउट कर। हाँ पूरा ले लेना। हाँ उसमें दूसरा ले लेते हैं। हाँ लो, नहीं एक अब इसमें लगाओ। ये इधर रहा है यार। हाँ चलो हो गया, अब इसके बाद दूसरा लगाओ, इसके बाद दिखाओ हाँ कौन सा लगाओगे। ये ले रहे हैं, ये पिंक वाला ले रहे हैं, सुंदर लग रही है। ये हाफ एंड हाफ का पैलेट और की हेल्प से अप्लाई करेंगे, को फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे फिंगर की हेल्प से बीच फिंगर में, हाँ कहाँ पे लगाना, हल्का हल्का सा लेना, ज्यादा मत लगा दे आई पे, इसमें पूरे में हाथ से लगाया जाता है। हाँ ये ग्रीफ इतना भरी और तो तुम नाश कर दोगे मेरा। ये देखो भाई ये क्या कर दिया इधर ने, इसमें दिख नहीं रहा, उसको चिपका दिया पूरा एक ही बार में, धसा दिया लगी दे रहा। अच्छा ये हल्का हल्का लेते हैं क्या इसको? हाँ, अरे यार खराब कर दिया मैंने। हाँ, बहुत काम करना पड़ता है भाई। चलो हो गया,
हो गया, आई पैलेट का आई शेडो हो गया मेरा। उसके बाद एनवाईबी का लाइनर ले रहे हैं। हाँ लाइनर लेना कहाँ पे पपो तो लगाओ लगाओ क्या लगाना है यहाँ से आई मेकअप देखो। हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक किनारे किनारे नहीं नहीं ये जो है ना ये लाइन गई है ना पलक वाला। हाँ, चलो चलो यहाँ से लेकर इसको ऐसे लगाना, एक लाइनर ड्रॉ करो या ऐसे करो। यहाँ जो उठाया हमने इधर पहले लगा रहे हो क्या? रुक जाओ ये दबा दिया बस सही हो गया हमसे ऐसे ही लगेगा ये देखो। अरे बाप रे पहली बार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है भाई इसको मत मत छूना वरना पूरा खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेना जाता ये यहाँ मत छूना लाइनर को वरना पूरे में फैल जाएगा। बस बस करो बस करो बस करो यार चेहरा रगड़ दोगी क्या मेरे पास? प्राइमर के लिए ब्लू हेवन का प्राइमर थोड़ा सा। हाँ कौन सा प्राइमर बता तो दो। ब्लू ब्लू हेवन ब्लू हेवन का ब्लू कलर है तो ब्लू सोच रहे ब्लू है ये लग गया भाई। बना रहे हैं अपना कोई भी फाउंडेशन वेस्ट नहीं करवाना चाहती इसीलिए मैं दूंगी ये। मेरी स्किन टोन लाइट है तो वेस्ट करने के लिए ये ठीक है। मुझे लग रहा है कि सारा प्रोडक्ट वेस्ट ही हो रहा है लैक्मे का है। हेलो इससे लगाओ हमारा फाउंडेशन लग गया है। थोड़ा सा कॉन्टोर ही कर देते हैं। सारा मेकअप करवा रहे तो सब कुछ जरूरी है ना। करो लगाना है। अरे ऐसे नहीं लगाना है ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन तिरछी। हाँ कॉन्टोर तो अच्छा किया फिलहाल। अब यहाँ से ऐसे हाँ इधर क्या हुआ ऐसा तो है यहाँ बनाना था तुमको यहाँ बीच में बना दी यहाँ बनाओ। हाँ अरे क्या अब बीच वाली का क्या करेंगे? बीच वाला है तो अब नोज पे करो नोज पे ऐसे करके ऐसे दोनों नोज कैसे कंटूर करो। अरे तो नोज मेरी नाक पकौड़े जैसे दिखेगी। चलो अब हाईलाइट करो। वैसे मेकअप करना बहुत आसान है ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। हाईलाइट करो देखो बता देते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में एक लकीर एक यहाँ। चलो लकीर करना है हाँ, लकीर। एक यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लकीर नहीं करना ऐसे ऐसे करके लगाना पूरे में। सही है। हाँ यहाँ पे यहाँ पे तो है बीच वो तो दोनों कॉन्टोर कर दिया बीच। हाँ बीच में खींचो। हाँ अब ऐसे तुम्हें तो है ऐसे चांद बना दिए। अब चलो सबको ब्लेंड आउट करो ब्लेंड आउट करो इकट्ठा नहीं पहले हाइलाइटर को ब्लेंड करो फिर कंसीलर को सब कुछ कर रहा है। अरे हाइलाइटर पहले कॉन्टोर को ब्लेंड करो। अरे मतलब ये वाले को ब्लेंड करो। हाँ कर रहे हैं। ब्लेंड हो जाएगा तो बताना। अब ये कंसीलर ब्लेंड हो गया क्या? ब्लेंड हो गया हमारा कॉन्टोर थोड़ा बचा अभी थोड़ा सा बाकी अभी यहाँ वाला। चलो ई का हो गया। अबे मेकअप फटा ई का फिर से ये तो देखे नहीं ये छूट सही है अब सही है।
अच्छा पेट दर्द होने लगा। तो थोड़ा सा छू गया ना उसमें। आप लोग सोचो दीदी आज कितनी क्यूट लग रही है ना, लाइनर को मेरे नोज से ला के लगा दियो ना। चलो ठीक है, हर इसके बाद इसको सेट कर दो भैया। बड़ा महंगा पड़ गया मेकअप करवाना। इससे सेट होगा? पूरा सेट कर दो कॉम्पैक्ट से। आई में मत कर देना। अच्छा वो बता दिए, आई में बड़ा बड़ा हो जाता है। अरे तुम तो घिस रहे हो, घिस रहा नहीं है इसको। हाँ इससे बड़ा हल्का हल्का सा पाउडर लगाना। हो गया, हो गया सेट। अच्छी लग रही हो ना। अब चलो एब्रो को फिल कर दो जेल लाइनर सेट करना। ये एब्रो में लगाना, कहीं और मत लगाना दोनों। काली काली। हाँ हल्के हल्के से फील किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा लेके, इकट्ठा नहीं। हाँ ऐसे हल्का हल्का है। तुम जानबूझ के कर रहे ना? नहीं यार कसम से, एकदम थोड़ा सा लिया था, एकदम थोड़ा सा तो लिया था। ये देखिए देखो, अच्छा इसी से लगा देता हूँ ना कसम से। इतना देता कैसे काला हो गया यार? वो इसकी पिगमेंटेशन ही ऐसी है, थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा लगा। हाँ ये सही हो गया। वो हल्का तो है, दिखाओ। हाँ यार सही है, इतना ये जानती बहुत ज्यादा है यार, समझ नहीं आया। ये बताओ एक आईब्रो इंजन ऐसे रख रहा है। सॉरी। अरे यार क्या कर पूछ रहे हो? पूछ के इधर चौड़ा कर देना, दोनों बराबर हो जाए ना। सही है, जो जैसा उसको सही रहने दो। अच्छा लगा तो लो। ये कहाँ लगेगा? ये यहाँ चिक पे लगाना, गाल पे। ठीक है। ये है हमारा ब्लशर लगा हुआ है। अच्छा बहुत अच्छा मेकअप है, बहुत ही अच्छा। आप लोग देखोगे तो जीजू की बहुत तारीफ करोगे भैया। लव मैरिज करके यही हाल होता है, फंस जाता है इंसान। दिखा रहे हो? दिखा दो दिखा दो। हाइलाइटर के लिए ये पैलेट लिया इन्होंने। मुझे ब्रश नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया, तो इसी से कर दे रहे हैं। पूरे में नहीं, ऐसे करके ऐसे। हाँ हो गई है लाइटिंग इधर भी। वाह क्या हाइलाइटिंग की है नोज पे, पूरे नोज पे। यहाँ पर यहाँ पर बस 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 भैया हाइलाइटिंग हो गई। चलो अब लिपस्टिक लगा दो। लिप्स लाऊंगी नहीं वरना खराब हो जाएगा। रुको रुको रुको। सही है, अच्छे। मैं देखकर खुद ही डर रहा हूँ। इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा मेकअप। हम करेंगे नहीं फिर। अच्छा ठीक है भाई, तू बोल रही इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा मेकअप शायद ही किसी ने किया हो। आप क्लोजअप देखिए, ओ एमजी। चलिए अब आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देती हूँ। इतना अच्छा मेकअप, वाओ यार सच में यार। लव मैरिज करने का यही अंजाम होता है, आप लोग भी देख लो। रिक्वेस्ट कर रहे थे जीजू से मेकअप करवाओ, जीजू से मेकअप कराओ। जीजू ने इतना अच्छा मेकअप किया, अब जीजू के साथ पार्टी में जाना तो बनता ही बनता है ना। चलते तुम्हारे साथ तुम्हारे किसी पार्टी में। लोग बहुत ही मेहनत जीजू ने आपकी की है, तो प्लीज इसी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा।
इतनी मेहनत तो शायद मैं करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत मैं करती हूँ। 10 बजे से बैठे थे, आधे घंटे मैंने उन्हें इतना अच्छा मेकअप कर दिया, और मैं तीन तीन चार चार घंटे बैठती हूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ। अब इनसे क्लास लेनी पड़ेगी। ये आदमियों की तारीफ है। अब इनसे क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो बस चलिए, कोई और चैलेंजिंग वीडियो देखनी हो इस तरह की तो अपने जीजू के साथ तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी शेयर करूंगी, है ना। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैलेंजिंग वीडियो के साथ। ओके ओके बाय बाय। वैसे मेकअप इन्होंने मेहनत की तो अच्छा आई है, कभी जो लाइनर जो कभी ब्रश ना उठाया हो, जो कभी किसी चीज को हाथ तक ना लगाया हो, उस हिसाब से इन्होंने किया, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा किया फिलहाल, मैं तो ये बोलूंगी। हाँ, अगर कोई ब्रश नहीं उठा रहा, अगर आप भी कभी नहीं मेहंदी की कीक पकड़ रहे हो तो आप चलाओगे यहाँ, वो जाएगी वहां, तो ऐसा कुछ इनका इंटेंशन नहीं था कि ये इस तरह से मेरा हाल करे। इनको हंसी भी आ रही क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे से नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो रिक्वेस्ट है, जैसा भी करोगे अच्छा करोगे, लोग पसंद करेंगे तो उस हिसाब से अच्छा ही है। जहां जहां मैंने बताया किया, अब बहुत से लोग लाइनर नहीं ड्रॉ कर सकते, फिर भी इन्होंने एकदम किया है, और उसकी पिगमेंटेशन आपको तो पता ही है जेल लाइनर की, वो हल्का सा लगाओ काफी ज्यादा ब्लेंड हो जाता है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा किया है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बोलते टाइम भूतनी लग रही हूँ। ओके बाय बाय।